फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप आपका पीसी को फॉर्मेट कर लिया विंडोज 10 से या विंडोज 11 से, उसके बाद आप देखा कि आपका जो मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन उस पीसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ चार्जिंग दिखा रहे। आप डाटा केबल से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो मगर फिर भी वहाँ पर दिखा रहे सिर्फ चार्जिंग हो रहा है, या किसी भी और डिवाइस से आप कनेक्ट करने जा रहे हो तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपका जो लैपटॉप है उसमें यूएसबी ड्राइवर सारा कुछ सही है, आप माउस से कनेक्ट कर रहे हो, कीबोर्ड से कनेक्ट कर रहे हो, सारा कुछ हो रहा है, या अभी नहीं भी हो सकता है मगर फिर भी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर चार्जिंग दिखा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे कर सकते हो, कैसे आप आपका लैपटॉप एंड कंप्यूटर के साथ आपका मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो डाटा केबल से, आप आपका मोबाइल का डाटा शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरा लैपटॉप में आ गया। इस लैपटॉप में मैं विंडोज 11 को लिया, विंडोज 11 लेने के बाद वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा मोबाइल फ़ोन के साथ, नहीं हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है कनेक्ट करने में, या कोई DSLR से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ फिर भी वहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वहाँ पर शो ही नहीं कर रहे, सिर्फ चार्जिंग हो रहा है ऐसा करके दिखा रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर विंडोज 11 पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो विंडोज 11 पे स्टार्ट ऑप्शन पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आप आपको विंडोज 10 है तो विंडोज 10 का स्टार्ट ऑप्शन में राइट क्लिक कर सकते हो, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डिवाइस मैनेजर, देखो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर जो है इस डिवाइस मैनेजर में क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर करके एक पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप देखो यहाँ पर मैं मिडिल में ले आया हूँ, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सबसे नीचे आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, सबसे नीचे डिवाइस मैनेजर के सबसे नीचे मिल जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर लो। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ पर USB रूट हाफ, यहाँ पर USB 3 जो है ना, यहाँ पर मेरा 2 दिखा रहा है, इसको देखो राइट क्लिक करो, और करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन में चले जाओ, और प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो पावर मैनेजमेंट, जो पावर मैनेजमेंट ऑप्शन है इसको क्लिक कर लो, और इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लाओ इसको अनचेक कर दो, इसको पूरी तरह से अनचेक कर दो, ये टिक मार्क हो सकता है इसको टिक मार्क को हटा दो, उसके बाद ओके कर लो। देखो यहाँ पर मैं ओके कर लिया, और इसको अगर 2 है तो देखो यहाँ पर USB रूट हाफ 2 दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और प्रॉपर्टीज में चलेगा पावर मैनेजमेंट, इसको अलाउ को अनचेक कर दो, उसके बाद ओके कर दो, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटेल आर USB 3.1 यहाँ पर दिखा रहे हैं एक्सटेंसिबल होस्ट, यहाँ पर दिखा रहे कंट्रोलर, यहाँ पर राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अपडेट ड्राइवर, अपडेट आपको ड्राइवर को अपडेट करना होगा। देखो यहाँ पर मैं एक बार ड्राइवर को ऑटोमेटिक सर्च ऑटोमेटिकली ड्राइवर या ऑटोमेटिक ले लिया, अगर ले लेता है ऑटोमेटिक है आपके पास ड्राइवर तो इसको क्लोज कर लो, और इसको राइट क्लिक करने के बाद इसको पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दो, इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल। देखो यहाँ पर मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल करने के बाद हो सकता है कि आपका USB जो माउस है ना, माउस कीबोर्ड काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ये आपका यहाँ पर देखो बोल रहा है कि रीस्टार्ट करने के, देखो यहाँ पर मेरा माउस जो है माउस का लाइट पूरी तरह से चला गया, अभी मेरा माउस को माउस काम नहीं करेगा, बट आपका लैपटॉप का माउस टच पैड काम करने लग जाएगा। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, नो करने के बाद यहाँ पर और एक देखो यहाँ पर एक्सटेंसिबल होस्ट कंट्रोलर जो है ना, और एक ड्राइवर, इसको भी आप राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर। देखो यहाँ पर इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर दिया, पूरी तरह से ये अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपका माउस कीबोर्ड बाहर से USB ड्राइवर पूरी तरह से काम नहीं करेगा, मगर आपको यहाँ पर देखो ये स्कैन, इसको क्लिक कर लो, देखो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जितना सा ड्राइवर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा सारा कुछ। इसको आप क्रॉस कर सकते हो और आपका पीसी को रीस्टार्ट कर दो। देखो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देता हूँ मेरे पीसी को, रीस्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, अभी मेरा पीसी को मैं रीस्टार्ट कर दिया पूरी तरह से। अभी मैं यहाँ पर USB से कनेक्ट करता हूँ मेरा मोबाइल को, अभी क्या दिखाता है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप को शो कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप को शो करने के बाद डिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ। डिस पीसी को मैं ओपन कर लिया, देखो यहाँ पर डिस पीसी, अभी मैं यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा पीसी को, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। देखो यहाँ पर मैं पोको X2 से कनेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पर मेरा पोको X2 फ़ोन डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर पोको X2 फ़ोन डिटेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ इस फ़ोन से, अभी इंटरनल कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर फ़ोन मेरा पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आपका भी पीसी में आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपको उसको फॉर्मेट करने के बाद
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी विंडोज है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 है आपके पास। सो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश की कि अगर हो सकता है कि आपका पीसी फॉर्मेट करने के बाद आपका मोबाइल फोन से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस टाइम आपको क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कनेक्टिक न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।